मुझे प्यार का सहारा हो गया। जी हाँ, सीरियल ससुराल सिमर का में आज आंखों ही आंखों में गुस्ताखियां कर बैठे समीर ने संजना को कर दिया है प्रपोज, वो भी सीधा शादी के लिए। तो दिल मिल रहे हैं लेकिन चुपके चुपके। जी हाँ, लंदन से आए संजना और समीर जल्द बंधने वाले हैं शादी के बंधन में। माता जी और सिमर के कहने पर ये दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए आज यहाँ आए हैं। एक्चुअली मैं लंदन से आया हूँ, संजना का बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो यहाँ पर आते ही माता जी और सिमर आंटी को लगा कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं और हम दोनों खुश खुश भी हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि हमें शादी करनी चाहिए। तो हम कंफ्यूज है और क्योंकि हमने कभी ऐसा पहले सोचा नहीं था। एक्चुअली मैंने सोचा था लेकिन मैंने कभी कहा नहीं था इससे पहले, तो आज मैं कह रहा हूँ इसे कि आई लाइक हर, तो ये सोच रही है, टाइम लेकर बताएगी कि इसका क्या डिसीजन है, लेकिन शादी पक्की है। क्या बात है समीर, आप तो पूरी तरह से तैयार लग रहे हैं शादी के लिए, लेकिन ये संजना के मन में क्या चल रहा है? बेसिकली सिमर और माता जी ने जब से संजना लंदन से वापस आई है तो पहली बार उसे खुश देखा है और यू नो मुस्कुराती हुई देखा है। पहले बहुत डरी हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ मी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ समीर, तो इसलिए उनको लगता है कि मुझे समीर के साथ यू नो अच्छा है अगर हम दोनों साथ में हैं तो शादी कर लेंगे। फैंस को बता दे कि संजना चाहती है कि सभी लोग लंदन चलकर सेटल हो जाएं, जिसमें उसकी हेल्प समीर भी कर रहा है। तभी तो देखिए ना कैसे अनन्या के हस्बैंड को समीर दे रहे हैं बिजनेस टिप्स। समीर ने आरव को कन्विंस कर लिया है कि वो लंदन में जाकर अपना बिजनेस खोले, जिसके लिए ये जनाब तैयार भी हो गए हैं। इतने में इन दोनों के बीच में आती है अनन्या और ये खुशखबरी सुनकर वो जाती है कॉफी बनाने, लेकिन तभी वो हो जाती है बेहोश और अनन्या को गोद में उठाकर लाते हैं आरव। अनन्या की सासू माँ उसके रूम में आती है और उसकी खबर लेती है, जहाँ अनन्या उसे अपना प्लान फेल हो जाने के बारे में बताती है। अनन्या का ये कौन सा प्लान है जो फेल हो गया है, ये जानने के लिए आपको करना होगा हमारी अगली अपडेट का इंतजार।